आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की 10 खास खबरों। कोरोना के कारण भारत की सुरक्षा में चीन समेत 5 देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच की गई अनिवार्य। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ा बांग्लादेश का सपना, टीम इंडिया ने मीरपुर टेस्ट में जीतकर सीरीज पर किया कब्जा। सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं केएल राहुल और टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। छत्तीसगढ़ में सीएएफ कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल को मारी गोली, कांस्टेबल की मौके पर ही मौत। मौसम विभाग ने शीतलहर पर किया अलर्ट जारी, दिल्ली में 3 डिग्री तक पहुंचा पारा। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, शरीर पर नहीं है कोई जख्म के निशान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को दी बधाई। तुनिशा मामले में बीजेपी नेता ने दिया बयान, कहा अगर मामला लव जिहाद निकला तो होगी जांच। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।